मरहूम शोहर के इंतकाल के बाद पहली बीवी और उनके घर वालों की जानिब से छोटी बीवी पर जुल्म किया जा रहा, जिसके बाद मुतासरा खातून ने मैलाडेवपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। देखिए मुतासरा खातून का इस जमन में मीडिया के सामने क्या कहना है। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अमजद अली खान, लेट मोहम्मद अमजद अली खान की वाइफ है, उस पर मैं असद खान है, सैफी कॉलोनी में रहती हूँ मैं। उनकी बीवी, उनका जैसा मटर होता है कि उनका इंतकाल होता है कि आके हमारे घर पे कब्जा कर ली, हमारे को एक साल से हरासमेंट कर रही, एक साल से हम सपन फिर रहे, कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रही, आज आके मेरे बच्चे पे हमला करी। वो उस्मान बाबा अपने दो दामादों को खाजा, और खाजा कहते पुलिस कमिश्नर का कार चला था, कहते बोल रहा मेरे को पुलिस भी कुछ भी नहीं करती, बोल के बोल रहा बड़ा दामाद अजमत को ले लेके आई, अपने बेटे को लेके आके मेरे को मेरे बच्चे को मारने आ रही, हरासमेंट कर रही। हमारा भाई बीच में आता, हमारे भाई को 8-10 जनों को ले लेके आई, बाबा है, उस्मान है, अभी उनके संगत 8-10 जने हैं, सब जने मिलके मार रही। तो हम लोग पुलिस का कंप्लेंट करे, पुलिस का नहीं आए हुए है सैफी कॉलोनी में। अब मेरे भाई अफरोज को मार लगी, 8 जने मिलके उन पर हमला करे, 8-10 जने मिलके एक जने पे उल्टा आके वो लगा चाबी मार को वो कर रहे, क्या डिमांड कर रहे, हमारे को खाली करो बोल रही, बिल्डिंग खाली करो बोल रही। ये तो लोग अभी एक्शन नहीं लिया, अभी उन्होंने अली सर नहीं है, उन्होंने आए बात में एक्शन लेते बोल रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। हमारे बहन के घर पे आज 5:30 बजे, हफ्ते के दिन 5:30 बजे की थी, उस्मान और बाबा आके और 4 जन को लागे हुए तो मारना चालू कर दिया, हमारे बहन को ही मारे। वहाँ पे केस चल रहा हम लोग का मैलाडेवपल्ली PS में, वहाँ के ASI अली, इससे पहले भी हम केस बुक करे थे मगर कुछ भी एक्शन नहीं लिए वो लोग, फिर आगे लोग मारना चालू करे, मेरा हाथ तोड़ दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर करे, हमारे फ्रेंड को भी मारे, और असद खान की जो फर्स्ट वाइफ है फातिमा फरीम खातून, उन्होंने भी 4-5 जनों में आके लड़ना चालू कर दिए। हमारे बहन जो है असद खान की सेकेंड वाइफ है, तो मैं असद साहब और अकबर साहब और कमिश्नर ऑफ हैदराबाद से गुजारिश करता हूँ, सख्त से सख्त इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। जो ये बाबा उस्मान और असलम है, ये लाइन ग्राफर से पूरे प्रोडिशीटर्स है, इन लोग ये से मारना थोड़ा करना। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बोल रहा हूँ भी आप लोग केस चल रहा है बिल्डिंग में, कई को तो गाली गुफ्तार दी गई, मारना चालू कर दिए, राडों से मारे, मेरा हाथ तोड़ दिए, मेरा अटेम्प्ट टू मर्डर करना चाह रहे थे वो लोग, और वो बिल्डिंग के कैमरे बन गए थे मेरे को मारे। तो मेरा नाम मोहम्मद गौस है, उर्फियत पाशा है, मेरे बहन अकेले हैं, मेरे भौने का इंतकाल हुए जबकि बाद से उनके फर्स्ट वाइफ फरीन फातिमा और उनका बेटा बिलाल खान मेरे बहन के ऊपर टॉर्चर कर रहे, हरासमेंट कर रहे, और उनके दो दामाद खाजा और अजमत, जो खाजा है उन्हें कमिश्नर ऑफिस में गाड़ी चलाता, उन्हें क्या बोला किसके पास भी कंप्लेंट कर लो कौन से भी PS में, कमिश्नर पुलिस कोई भी कुछ भी नहीं कर लेती, जो भी है मैं देख लेता हूँ बोल रहा, और मेरी बहन के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो जा रहा, एक साल से ना किराया ले ले रहे, पूरे प्रॉपर्टियाँ बेच के खा ले रहे, इसमें लैंड ग्रैबर है जो बाबा और उस्मान और उन लोगों के 8-10 जने आ रहे जो आगे हरासमेंट कर रहे मेरी बहन पे, हम लोगों को आज मेरी बहन पे अटेम्प्ट टू मर्डर करे वो लोग, गाली गलौज करे, सामान रखने के बहाने वो लोग का ऑफिस नीचे ऊपर आके, मेरे बहन 4th फ्लोर पे रहते, उसका कैमरा बंद कर दिए वो लोग, कैमरा बंद करके ऊपर आके वो लोग सामान रखने के बहाने मेरी बहन और भाई पे हमला करे, मेरा बहन और भांजा अकेले रहते वो लोग, मेरा भाई सौदा देने गया था उसको मिलके 8-10 जने मार दिए, अभी वो उस्मानिया को गए हुआ MLC कराने के लिए, और हम लोग यहाँ पे कंप्लेंट कराए तो कोई एक्शन नहीं ले रहे, अभी तक कोई भी नहीं लिए, एक साल से हम लोग सबके सब पास फिरे, MLA के पास गए, कॉरपोरेटर के पास गए, सबके पास गए, कोई भी आ रहे नहीं, कोई भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कहीं से भी हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा। मैलाडेवपल्ली PS में कंप्लेंट लिखा है हम लोग, और वो लोग बोल के गए तुम लोगों को बाहर निकले बाद देख लेते, रोड पे ये कर देते वो कर देते, मार डालता हूँ तुम्हारा पहचानते नहीं, ऐसा बोल रहे। वजह ये है कि इनके दो वाइफ है, फर्स्ट वाइफ जो है पूरा कब्जा कर ले रहे हैं, छोटे वाइफ का हक नहीं दे रहे कुछ भी, हम लोग ये एक साल से अभी कोर्ट में केस चल रहा, अभी हियरिंग चल रही है उसकी, लेकिन इन लोग क्या कर रहे हैं मार के भगाने को, लैंड ग्रैबरों को लाके ठहरा कर रहे, पैसे वैसे दे के, अब पूरे वो चीज कर रहे हैं इनके वह। और एक जो फरीन फातिमा के दोनों भाई हैं, दोनों रॉडी शीटर है, जिसका नाम एक का नाम कैसर है एक का नाम इलियास है, ये लोग पूरे मिल के इन पे मेरे बहन पे हरासमेंट, हम लोग को डरा रहे, धमका रहे, हम लोग को धमकियाँ दे रहे, तुम लोग रोड पे निकले बाद ये कर देते वो कर देते, ऐसे बात हो रहे। तो मेरा मासूम बच्चा है, बच्चा नीचे खेलने जा रहा, बच्चे को जान का धोखा है। बोलो मेरा बच्चा
असद साहब जो भी है हमारी हेल्प करिए, हमारे पर इतना जुलम हो रहा है, कुछ हेल्प कीजिए हमारी असद साहब और अकबर साहब।